الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. जैसे मेरे प्यारे भाई ज़ुबैर ने छोटी सी सूरत है कुल हू अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई बाप ना उसका कोई बेटा है और उसका कोई हमसर नहीं. सदकल्लाहुल आज़ीम, बेशक मेरा रब वहदहू ला शरीक है. और तलावत कलाम पाक से बाकायदा हमने अपने प्रोग्राम का, इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ कर लिया है जो वीनस HD की बदौलत आज आप देख रहे हैं. और बात करूंगी, क्योंकि तलावत की बात कर रही थी और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुरान पाक सिर्फ रखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए और उस पर अमल करने के लिए हो. तो नाज़रीन, बात करूंगी आज जो मैसेज है और आज हमारे कुछ गुफ्तगू का मौजू भी कुरान पाक से ही ताल्लुक़ रखता है. और मैं आज उन बच्चों को ख़ास तौर पे और फिर वालदेन को भी उनसे एक हम कलाम हो रही हूँ और अपनी इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कुरान पाक पढ़ा जाता है उसका तकद्दस बहुत जगह पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ जान बूझ के, लेकिन बेदेहानी में भी बहुत पामाल होता है. आपने देखा होगा जब हमारे वालदेन दुनिया से चले जाते हैं, फिर हम अपने घर में कुरान खानी का एहतमाम करते हैं और सब कुरान पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो औलाद कुरान पाक पढ़ती है, जो सूरत पढ़ती है, उसका जो सवाब और अजर हमारे वालदेन को मिलता है, वो जितने लोग आके पढ़ लेना, बेशक उसका सवाब मिलेगा, लेकिन वो दर्जा नहीं मिल सकता जो आपने अपनी औलाद को पढ़ा के गए हैं और जो वो अपने दिल से अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहा है. आपने देखा है कभी कभी, आपको पता है मैं अपने बहुत सारे, मतलब जब भी मैं अपने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देती हूँ तो मैं नेचुरली बात करती हूँ और अक्सर आप देखोगे कुरान पाक सब खोल के बैठे होंगे और मेरी वो बहनें जो इस वक्त सुन रही हैं, मेरे भाई सुन रहे हो, ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे कि सभी इस वक्त सही कह रही हैं. और अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप लाइव कॉल करके मुझे बता भी सकते हैं. कुरान पाक सबका खुला हुआ है और गुफ्तगू क्या चल रही है जी. अस्सलाम वालेकुम, आपके अब्बू कैसे हैं? और छोटा बेटा ठीक हो गया? फिर वो कुरान पढ़ने लग जाते हैं, बहुत दुख होता है मुझे. फिर हम अपने माँ बाप के लिए कुल पढ़वाते हैं, तीसरे का दिन होता है ना, हर कोई अपने हिसाब से, कोई तीसरा करता है, कोई पांचवा करता है, कोई अपने माँ बाप के जाने के बाद वो जो तस्बीह पढ़वाते हैं, चियाँ बोलते हैं, कुछ कुल पढ़ते हैं. अब पढ़ते पढ़ते क्या क्या वहाँ पर ये होते, मैं इसलिए नहीं बता रही, मैं आपकी दिल आज़ारी नहीं कर रही, मैं कुरान पाक के तकद्दस को इस तरह कलाम इलाही जो हम ज़बान से अदा करते हैं उसकी जो बेहुरमती लाबालिक में होती है ना, इससे मैं बड़ा दुख होता है. मैं कहती हूँ इससे बेहतर है कि आप एक अलहम्द शरीफ पढ़ लें, तीन कुल पढ़ लें और कहें मेरे अल्लाह मैंने ये जो पढ़ा है ना मेरे माँ बाप को बख्श देना, बा खुदा मेरा रब कबूल करेगा. नहीं कुरान पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, मेरा रब आपकी सिर्फ एक छोटी सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना बोलना भी ना, और उसको अगर आपने जितनी बार भी पढ़ के आप अपने माँ बाप को बख्श देंगे ना, मैं किस बात की गवाही दूं कि खुदा उसको ज़रूर बख्श देगा कि तेरे बच्चे ने तेरे लिए पढ़ के भेजा है और दिल से भेजा है, आँखों से रो के भेजा है.
इस कुरान पाक को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पढ़ते थे ना, तो उनको कोई, उनका कोई वो नहीं था, उस्ताद नहीं था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो फिर सोचें कि कुरान पाक जो हाफिज़ कुरान होते कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे उनके दिमाग में इतनी सारी सूरतें। ये मेरे रब की मेहरबानी है जो पूरे पूरे 30-30 पारे बच्चे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, हाफिज कुरान बन जाते हैं। कैसे? तो फिर आप एक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि वो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आप नहीं चाहेंगे आपके माँ बाप पे रहम हो ना, कि आप इतना एहतमाम करें, करें, लेकिन उनको फिर मना करें कि कुरान पाक पढ़ते हुए, और ज़बरदस्ती ना करें आप 3 पारे पढ़ लें, आप 4 पारे पढ़ लें। उसके दिमाग में पता कितना कुछ चल रहा होगा कि मैं जल्दी से चली जाऊँ, मुझे अपने बच्चों को देखना है। आप ज़बरदस्ती कलाम पढ़ा रहे हैं, ना करें ऐसा। मेरे कुरान जो कुरान पाक है ना, वो हमारे लिए अल्लाह पाक ने रहमत और नेमत समझ के भेजा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। और रमज़ानुल मुबारक में जितना ज़्यादा आप तलावत करेंगे, मेरी वालदा को मैं सच बताऊं, अल्लाह उनकी बख्शिश अता फरमाए, उनको कुरान पढ़ना नहीं आता था, तो वो कुरान पाक खोल के जो है ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ती थी। तो जिसको नहीं पढ़ना आता, कुछ लोग कुरान खोल के ना, मैंने बहुत सारी बूढ़ी को देखा है, वो ऐसे करती हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह, किसी वक्त वो नहीं पढ़ पाई, नहीं उन उस वक्त के दौर में नहीं। अगर मेरी वालदा भी फौत हुई, इनकी उम्र 74 या 75 साल थी, तो आप एवरेज लगा लें कि मुल्क जब हमारा बना उससे भी पहले के वो छोटे छोटे होंगे, उनके वालदैन उनको उन्होंने नहीं इतनी नई नॉलेज होगी, तो वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ती थी। और मेरी वालदा की इंतकाल सुबह फजर में जुम्मतुल मुबारक में हुआ था। मैं ये नहीं कहती कि, मैं कहती हूँ सबके वालदैन के अल्लाह बख्शिश करे, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह पाक ख़ास इनायत करता है ना, तो अल्लाह पाक ये नहीं कहता कि तू ये कर लेगा तो मैं तुझे सब चीज़ें इनायत करूँगा। वो कहता है मैंने तेरे बहुत सारे ज़रिए बनाए हैं, तो एक जानवर को पानी पिला दे मैं तुझे दूंगा, तो चिड़िया को पानी पिला दे, तो किसी कुत्ते बिल्ली को पिला दे, मैं तुझे अगर बख्शने पे आऊं तो मैं तुझे बख्श दूंगा। फिर हम लोग एक और काम करते हैं बहुत गलत, जो बहुत सारे सजदे हो रहे हैं, बहुत सारी इबादत हो रही हैं, और फिर जाके हम जखीर अंदोजी कर रहे हैं और कहते हैं दो देगे दे दे। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम लोग बहुत सारी तलावत करते हैं, फिर हम इतकाफ में बैठते हैं, सुबह शाम कुरान खोल रहे हैं, फिर हम जाके किसी का हक मारते हैं और फिर हम देगे दे देते हैं। अल्लाह पाक को ये सब बातें कबूल नहीं है। आज हम बहुत सारी बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा मौजू गुफ्तगु, क्योंकि तमाम उलमाए दीन और आलिम, मुफ्ती, मौलाना, हर कोई जाहिर सी बात है बहुत सारी नॉलेज रखते हैं। और इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में मेरे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती गुलाम गौस अनवर मदनी साहब, और आज मैं उनसे पूछूंगी कि तलावत कुरान पाक का रमज़ानुल मुबारक में पढ़ना हमारे लिए कितना सवाब है, और किसको नहीं पढ़ना आता है तो वो कैसे कलाम इलाही पढ़े, और अपने वालदैन जो दुनिया से रूपोश हो गए उनकी बख्शिश का सबब हम औलाद कैसे बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मदनी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरा इंट्रो तो देख लिया होगा, तो मैं सवाल बिल्कुल वही दोहराना चाहूँगी कि कुरान पाक तो बिल्कुल रखने के लिए नहीं, रोज़ाना उसका दीदार करने के लिए है, तो आप मुझे बताएं रमज़ानुल मुबारक में हमें कैसे ये इसकी फजीलत मिल सकती है कलाम इलाही की, कुरान पाक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है, और इंतहाई अहम मौजू है इस एतबार से कि ये माह रमज़ानुल मुबारक है, और इस माह रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सके हमें नेकियां करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा वाले काम करने चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल हो सके। कुरान मजीद फुरकान हमीद वो किताब है जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कल्बे अतहर पर नाजिल की। नबी पाक अलैहिस्सलातु व सलाम इस किताब को लेकर आए, और इस किताब का मेन मकसद है लोगों को हिदायत फरहाम करना। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा बजा मकामात पर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन नास, हुदा व शिफा।
यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि ये किताब जो है ला रईब फीही, इसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन को हिदायत देता है। बेशक और हुदल लिल नास, ये लोगों को हिदायत देता है। और ये वो किताब है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा को रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम अगर बीमार हो जाते हैं, थोड़े से हम गमगीन हो जाते हैं, कोई दुख दर्द हमें घेर लेते हैं, तो हम तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं, किसी से जाके दम करवाते हैं, किसी से जाके कुछ वजीफा तलब करते हैं, किसी से कोई मशवरा करते हैं अपनी परेशानी के हल के लिए। इसकी परेशानी का वाहिद हल है कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के आगाह हो जाओ कि अल्लाह का जिक्र जो है उसमें दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है। कुरान की तिलावत करना यह अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र ही है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद जो कोई पढ़ता है, उसके पढ़ने वाले को हर लफ्ज़ के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है जी। अगर कोई अलीफ पढ़ता है तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं, लाम कहे तो 10 नेकियां, मीम कहे तो 10 नेकियां। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान ही है कि अलीफ लाम मीम कहने वाले को अल्लाह तबारक व तआला 30 नेकियां अता फरमाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने वाला जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की आगोश में आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उस पर छमा छम बरसती हैं और फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के उस बंदे पर रश करते हैं कि ये कैसा बंदा है कि जो अल्लाह की इस किताब को बावजू होकर, बातहारत होकर इस किताब को वो पढ़ रहा है। वो रश करते हैं और उस बंदे पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ये वो किताब है कि जो लोगों को हिदायत के लिए देगी, लेकिन बदकिस्मती से आज हमने इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को घर में सिर्फ बरकत के लिए रखा है। हुसूल बरकत के लिए है कि घर में रख दिया बरकत हो जाएगी, दुकान में रख दिया बरकत हो जाएगी, या बच्ची को अगर विदा करना है तो उसके सर पर रख दिया, उसके साए में हम बच्ची को विदा कर रहे हैं। तो कुरान का ये मकसद नहीं है। कुरान का तो मकसद ये था कि हम कुरान को पढ़ें और पढ़ने के बाद इस कुरान के मजामीन को बार 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 इसको समझने की कोशिश करें ताकि कुरान के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजार सकें। याद रखिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम मजबूती से उधर थाम लोगे हिदायत पा जाओगे, और अगर छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे। एक है मेरी किताब यानी कुरान पाक और दूसरी है मेरी सुन्नत, और एक रिवायत में आता है कि दूसरी है मेरी अहले बैत। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं हिदायत पा जाऊं, मैं भलाई का रास्ता इख्तियार कर लूं, मैं सिरात मुस्तकीम पर चला जाऊं, तो उसे चाहिए कि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करे। आज जो हमारी तनज्जुली का वाहिद एक जरिया है, किस वजह से हम तनज्जुल की तरफ जा रहे हैं, इसका वाहिद हल जो है वो कुरान मजीद है कि अगर हम कुरान मजीद को अच्छे तरीके से इसके मजामीन पर अपनी जिंदगी को गुजारने लग जाएं और इसके मुताबिक अपने शब रोज के काम सर अंजाम दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तनज्जुल से उठाकर तरक्की की राह पर गामजन कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी साहब इतने प्यारे अंदाज में बता रहे थे, अभी तो बहुत सारे सवालात हैं, इसके शरई मामले भी पूछूंगी। और जो लोग, जैसे मैंने अपने वालदेन की बात की कि कुछ लोगों ने, जो बहुत पहले के लोग थे या अभी भी कुछ लोग हैं जो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, उनके लिए कैसे ये हमारे लिए खैर का सबब बन सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन होंगे। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और आपका दिल अगर कर रहे हैं कि आप हमें अपनी कोई नात सुनाना चाहें या आप हमसे बात करना चाहें, तो ज़रूर आप हमें लाइव कॉल करें। और मैं साथ साथ बताती चलूं कि 10वें रोज़े, यानी कि हमारा जो आज तो छठा रोज़ा है, और 10वें रोज़े को एक नातिया मुकाबला होगा, और उन बच्चों में जिनकी उम्र है 8 से 12 साल के दरमियान, उन बच्चों के हम यहाँ पे नातिया मुकाबला करेंगे, और जो बच्चे पोजीशन लेंगे टेस्ट एंड की जानिब से, गिफ्ट तो सबके लिए, लेकिन उनके लिए स्पेशली हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स के लिए ट्रॉफीज़ भी हैं, ताकि हम बच्चों को अप्रिशिएट करें, ताकि उनके दिल में मोहम्मद की जो मोहब्बत है वो हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहे। तो मैं नात सुनना चाहूँगी अभी, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के जो है आवाज़ रखते हैं, सना ख्वाह हैं, और सब खूबसूरत महफिलों में जाते हैं,
और वहाँ जाके महफिलें लूट लेते हैं, क्योंकि नबी का जब जिक्र होता है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र बुलंद होता है तो सब एक ही आवाज़ में कहते हैं, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिही व असहाबी व बारिक वसल्लम, मोहम्मद पर दुरूद और उनकी आल पर दुरूद हो। तो बात करेंगे, और एक और बात बताऊँ इस दुरूद पाक का, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है, मुफ्ती साहब भी बैठे हुए। जब हम दुआ मांगते हैं, जब हम दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं, तो दुआ जो है ना अल्लाह पाक तक पहुँच नहीं पाती और वो ऐसे ही हवा में मुअल्लक रहती है। वो कैसे? वो इस वजह से कि अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरे जब तुम दुआ मांगो तो शुरू में भी दुरूद शरीफ पढ़ो और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ो। क्यों मुफ्ती साहब, मैं ठीक कह रही हूँ? ये पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता है और जब तक वो शुरू में मुझ पर दुरूद पाक नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूलियत के दर्जे पर नहीं रखता, वो मुअल्लक रहती है ज़मीन और आसमान के दरमियान। जब वो दुरूद पाक पढ़ लेता है तो वो दुआ कबूलियत के दर्जे को पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जुम्मतुल मुबारक है, जितना हो सके चलते फिरते और वजू बा वजू आप किचन में जा रहे हैं इधर उधर जाने, अब दुरूद पाक पढ़े। अच्छा जी, सैयद जुबैर रहमानी साहब मौजूद हैं, खूबसूरत सना ख्वाह, खूबसूरत आवाज़, और अभी ये पढ़ेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुम्मतुल मुबारक है तो कसीदा बुर्दा शरीफ से अपने कलाम का आगाज कर लेते हैं। जी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من العرب ومن العجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شگے گھر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہِ دی اے محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم محمد سید الکونین
لَيْنِ وَثَقَ لَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ بك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. سید زبیر رحمانی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم. میں مفتی صاحب سے سوال کروں گی کہ قرآن مجید پڑھنے کے کیا آداب ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے کیا آداب ہیں، کیونکہ آج کل ڈیجیٹل ماحول ہے. جی جی. اور قرآن مجید فرقان حمید کو موبائل میں اپلیکیشن کی صورت میں رکھا جاتا ہے اور موبائل کے ذریعے بھی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی جی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم مصحف سے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کہ کیونکہ اسے چھونا جو ہے یہ بھی باعث برکت ہے، باعث اجر ہے. اس کو دیکھنا بھی باعث اجر ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی باعث اجر ہے، اس کو چھونا بھی باعث اجر ہے. تو اگر ہم مصحف سے پڑھیں گے، یعنی باقاعدہ کتاب اللہ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر پڑھیں گے تو زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اپنے ہاتھوں میں بھی ہم نے تھاما ہوا ہے تو زیادہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. لیکن اگر کوئی شخص موبائل سے بھی پڑھتا ہے تو بہتر اور اچھا ادب یہی ہے کہ آپ موبائل سے بھی پڑھیں تب بھی آپ باوضو ہو کر پڑھیں. بے وضو بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید کو موبائل کی اپلیکیشن سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو موبائل کا ذریعہ پڑھنا چاہیں تب بھی آپ با ادب ہو کر اور طہارت کے ساتھ مکمل باوضو ہو کر پڑھیں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ قبلہ روح ہو کر پڑھیں اور اپنے آپ کو معطر کر کے پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید چونکہ پاک کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پاک کتاب ہے اور اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو لہذا ہم جتنے معطر ہوں گے اتنی ہی برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر خوب خوب برسیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی گفتگو جو ہوتی ہے نا، یہ جو ہمارے آنے والے جو بچے ہیں جو 6 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، اور کچھ کچھ بچوں نے تو روزے بھی رکھے ہوئے، بالکل عبادتیں رمضان میں، ان کی روزہ کشائی بھی ہوگی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے بچوں کو. جب وہ اکثر مجھے کبھی کبھی وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا، اور یہ ہمارے کیا بتاؤں آپ کو، کہ بچوں کو کبھی کبھی روزے کے وقت باہر نکال دیتے تھے. یار یہ کیا بات ہوئی، اب بچوں کو باہر کیوں نکال کے، ان کا روزہ نہیں ہے. بس اپنے اپنی سوچ ہے، لیکن اب تو بچوں کو اس لیے اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو. کچھ لوگ بچوں کو روزے کھولنے کے وقت باہر بھیج دیتے تھے کہ جاؤ آپ لوگ کھیلو. یہ مجھے آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ ایسا کیوں کرتے تھے، جبکہ روزہ کھلتے ہی سب لوگ جمع ہو جانے چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے. اچھا اللہ پاک نے، مفتی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ایک بات میں ہماری رہنمائی کی ہے. یہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پورا روٹین ہمیں سکھایا کہ لائف اس طرح ہوتے، لیکن ہم صرف ایک مہینے میں کرتے ہیں. یعنی کہ ارلی ان دا مارننگ اٹھنا، اور ذرا وقت سے پہلے اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، تھوڑا پھر بھوک سی محسوس ہوگی، اور پھر اس کے بعد کچھ کھانا، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کرنا. اور کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے کاموں پہ نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں، اور پھر روزہ اس وقت کھولنا. اکثر کہتے ہیں نا کہ کھانا کھا کے فوراً سونا نہیں چاہیے، اور روزہ ہم جب کھولتے ہیں، یہ اکثر جو ہے کے پی کی سائٹ پر بہت سارے لوگ جو ہے مغرب کے بعد ان کا روٹین ورک ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ٹائم پر سو جاتے ہیں 8-9 بجے تک، کہ صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھے. یہ اللہ پاک ہمیں پوری روٹین میں سکھاتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھنا چاہتے. اچھا یہ ساری باتیں ہمارے فائدے کی ہیں، اب ہم جلدی کھائیں گے، اور جیسی اذان ہوتی ہے اپنے دیکھو گا، اور ایک سکھاتے کہ دسترخوان بھی سجتا ہے. ہونا یہی چاہیے کہ ہم صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھیں، اور سب سے پہلے ہم نماز فجر ادا کریں. اگر تہجد میں اٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ نماز فجر ادا کریں، اور فجر کے بعد پھر ہمیں سونا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے. سبحان اللہ. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اوندے ہو کے سو رہے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں 9-10 بجے 11 بجے اپنی شاپ پہ جا رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوئی. تو رزق میں برکت کب کیسے ہوگی؟ رزق جب تقسیم ہو رہا تھا آپ سو رہے تھے، تو آپ اس ٹائم لینے کا وقت تھا اور آپ سو رہے تھے، تو اپنی غفلت کو ہم چھوڑیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ
नवाजेगा और अल्लाह तबारक तआला हमारी रोजी में बरकत अता फरमाएगा और हमारे हमें हमारे रिस्क में भी अल्लाह तबारक तआला खूब बरकत अता फरमाएगा। बेशक बेशक। और मैं एक बार फिर आ गई हूँ सैयद जुबैर रहमानी साहब की तरफ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पे आने वाले आजाब टलते हैं। अब कोई क्या गम गिराएगा, सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभल हैं, क्योंकि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ो पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। और देखना है कि गुलामों पे कैसे दुश्मन के वार चलते है, जिनका साया नजर नहीं आता उनके साए में हम तो पलते हैं, जिनका साया नजर नहीं आता उनके साए में हम तो पलते हैं। गौसे ख्वाजा कल दरो दाता निजाम फरीद या सब शाहे कौनैन की गुलामी से ऐसे ऐसे
چراغ جلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب تلتے سبحان اللہ تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے جہاں تیری یاد ہے دل نشین وہیں رحمتوں کا نزول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار پھر درود السلام علیکم یا رسول اللہ اور بات کروں گی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن عبادت رمضان وینس ایچ ڈی پر اور یہاں پر بریک سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کیونکہ ہم لوگ ابھی بریک کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشنل میسج یہ ہے کہ وہ نوجوان جو آگے بڑھ کے قدم آگے رکھنا چاہتے ہیں اور میرے لیے فخر پاکستان اسپیشلی ذاکر صاحب کو جو سی ای او ہیں کمانڈر سٹی بلڈر کا بلڈر کے اور انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکیم لائے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے بڑھیں اور اپنے ملک کے لیے بہترین کام کر کے دکھائیں تو ہم ان کا ایک اسپیشل سانگ دیکھتے ہیں اور اس میں ایک خوبصورت میسج بھی ہے نوجوانوں کے لیے تو یہاں اس کے بعد لیں گے آپ اسپیشل سانگ کے بعد لیجیے گا ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ